ब्रह्मपुत्र नदी के पाट को खुद में समेटने वाला भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है असम, जो पूर्वोत्तर भारत के सतवाहिनी कहे जाने वाले राज्यों की धुरी है। दूर दूर तक फैली हरियाली, हरे भरे पेड़, विविध वन्य जीव, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर असम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। असम के रोमांच भरे जंगल, चाय के बगान, कलकल करती ब्रह्मपुत्र नदी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। असम एक ऐसा प्रदेश है जहाँ शांति है, संस्कृति और परंपरा का एक दूसरे से अटूट बंधन है। तिब्बत से बहकर आते विशाल ब्रह्मपुत्र नदी राज्य की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। अगर हम हिंदू मिथ की कहानियों पर विश्वास करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को नद के तौर पर माना जाता है। हल्की धूप या शाम की ठंडी हवा में अक्सर पर्यटकों को नदी के किनारे सैर करते देखा जा सकता है। ये कैसा राज्य है जो हर मायने में प्रकृति के बेहद करीब है। जोशपूर्ण जीवन शैली, चेहरे पे मुस्कान लिए लोग, विभिन्न जनजातियाँ और संस्कृति असम के समाज की विशेषताएं हैं। राज्य में विविध समुदायों और जनजातियों के लोग रहते हैं और सब बहुत मिलनसार हैं। इस भूमि पर कई राजवंशों के महान राजाओं ने राज किया है। मध्यकाल में भारत ने कई हमलों का सामना किया था, ये हम जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि असम पर अंग्रेजों से पहले कभी किसी विदेशी ताकत का राज नहीं रहा। एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी कि मुगलों ने 17 बार असम पर हमला किया, लेकिन हर बार असफल रहे। इसमें वीर योद्धा लचित बरफुकन जी का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, क्या आपने ये सुना है कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं? अगर नहीं तो ये जगह आपको असम में दिखाई दे जाएगी। असम के जातेंगा नामक जगह को एक रहस्यमय जगह के तौर पर जाना जाता है, जहां हर साल सैकड़ों की संख्या में पक्षी तेज रफ्तार से आते हैं और पेड़ों, इमारतों से टकराकर खुद की जान ले लेते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये गुत्थी अब तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके हैं। क्या आपको पता है, देश के दूसरे राज्यों के इतर असम राज्य का अपना अलग राज्य गान है। लक्ष्मीनाथ बीज बरुआ जी ने इस गाने की रचना की थी। देश के कई अन्य राज्यों की तरह असम में भी खेती ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। आमदनी के मामले में असम में खेती का स्थान तीसरा है और राज्य के 69% लोग ये व्यवसाय करते हैं। हालांकि चाय के उत्पादन के मामले में विश्व में इसका बहुत बड़ा योगदान है। असम सिर्फ एक प्रदेश का नाम नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम, विभिन्न संस्कृतियों इत्यादि की झलक का प्रतीक है। मेलों और त्योहारों का राज्य है ये। असम की ढेर सारी संस्कृतियों में से बिहू एक ऐसी परंपरा है जो यहाँ का गौरव है। असम में मनाए जाने वाले बिहू मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, बैसाख बिहू, काती बिहू और भोगाली बिहू। असमिया कैलेंडर बैसाख महीने से शुरू होता है, जो अंग्रेजी माह के अप्रैल महीने के मध्य में होता है। दोस्तों, कोई भी वेशभूषा या पहनावा किसी देश या समाज की संस्कृति को प्रकाशित करने के लिए काफी होता है। असम की वेशभूषा भी इस राज्य की सभ्यता संस्कृति को दर्शाती है। आज के समय में यहाँ के युवा भी पश्चिमी सभ्यता की वेशभूषा को अपना चुके हैं, लेकिन असम की वेशभूषा को अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके पारंपरिक त्योहारों में आज भी वही पहनावा देखा जा सकता है। महिलाओं की ड्रेस 2 भागों में विभाजित है। ऊपर का हिस्सा एक विशिष्ट प्रकार के चादर से ढका जाता है और वहीं नीचे के पहनावे को मेखला कहा जाता है। पुरुषों के पहनावे में ऊपर कुर्ता और नीचे धोती होती है। इसके साथ ही वो लोग गले में गामोसा भेजते हैं, जो केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि असम की अनुभूति तथा जातिगत सम्मान और स्वाभिमान का हिस्सा है। असम में लुभावने नजारों के अलावा जो चीज सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है वहाँ का खाना। यहाँ के खाने का स्वाद एकदम अलग है, जो आपको पूरे देश में कहीं और नहीं मिलेगा। खासतौर से यहाँ के नॉन वेज फूड का कोई मुकाबला नहीं। साथ ही यहाँ आपको स्वादिष्ट पोक, चिकन, बतख और मटन के कई व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा। जब भी असम के विशिष्ट व्यंजनों की बात होती है तो खार का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिसके इस्तेमाल से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। इसके साथ ही असम का एक फेमस फूड है आलू पिटिका, जो शुद्ध शाकाहारी व्यंजन है। रेशम के कीड़ों से बना हुआ व्यंजन भी यहाँ का प्रिय भोजन है। नॉनवेज फूड में एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन टेंगा फिश कड़ी है, जिसे बनाते समय आउटेंगा, टमाटर, नींबू या किसी भी खट्टी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ त्योहारों के वक्त हर घर में चावल से बने कई तरह के पिट्ठू और लड्डू बनाए जाते हैं। असम में आपको स्ट्रीट फूड की भी अलग अलग वैरायटीज मिल जाएंगी। असम अपने वन्य जीव पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अन्य अभयारण्य असम के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बेहतरीन वन्य जीवन के अलावा असम पर्यटन, मंदिरों और स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। चिलचिलाती गर्मी और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए असम सबसे बेहतरीन जगह है। आइए एक नजर डालते हैं इस राज्य की बेहतरीन जगहों पर। माजुली असम की लाइफलाइन कहलाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के ताजे पानी का एक प्रदूषण मुक्त द्वीप है माजुली, जो कि 352 वर्ग किलोमीटर में फैला नदी द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लिहाजा इसकी इसी खासियत की वजह से ये दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इतिहास और संस्कृति को अपने दामन में समेटे हुए माजुली न सिर्फ नदी से बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि ये असम में वैष्णव धर्म का केंद्र भी है। माजुली पर्यटन थोड़ा छोटा है, लेकिन ये बहुत जीवंत है। पर्यटक यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती के साथ हर साल आने वाले प्रवासी पक्षियों को भी देख सकते हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। कामाख्या मंदिर
प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर घूमे बिना आपकी असम यात्रा अधूरी मानी जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसकी गिनती सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में होते हैं। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से ये 8 किलोमीटर दूर स्थित है और ये मंदिर एक पहाड़ी पे बना है और इसका तांत्रिक महत्व भी है। मंदिर दो हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है और इसमें हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरे हिस्से में माता का दर्शन होता है। यहाँ हर साल जून में अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगता है। काजीरंगा नेशनल पार्क। देश के 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया भर में एक सिंग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। असम के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित इस पार्क को बाघों का घर भी कहा जाता है। 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये पार्क सर्दियों में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ साइबेरिया से मेहमान पक्षी आते हैं। काजीरंगा की एक खास बात ये भी है कि यहाँ विभिन्न प्रजातियों के बाज, चीले और तोते भी आते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और इसके आसपास कई आकर्षण हैं, जहां आप दो दिन के अंदर घूम सकते हैं। उमानंदा। गुवाहाटी के दिल में बसा उमानंदा एशिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। यहां आप शिव मंदिर का दर्शन करेंगे। मंदिर तो अपने आप में खूबसूरत है ही, पर मंदिर के चारों ओर बहने वाली ब्रह्मपुत्र का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यहां पर सुबह सूर्योदय का दृश्य बेहद मनोरम होता है, जो आप ताउम्र याद रखेंगे। वैसे तो इस द्वीप पर साल भर टूरिस्टों की भीड़ रहती है, मगर सावन, शिवरात्रि और नवरात्र के समय ये भीड़ दोगुनी हो जाती है। तेजपुर। दोस्तों, असम आकर अगर आपने तेजपुर नहीं घूमा तो आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि असम के पर्यटन स्थल के रूप में ये सबसे अधिक फेमस है। गुवाहाटी से लगभग 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शांत पहाड़ियों, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा तेजपुर शानदार अवकाश के लिए एक आदर्श स्थल है। शहर की भागदौड़ से दूर तेजपुर प्रकृति प्रेमियों से लेकर इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों का पसंदीदा स्थल है। यहाँ अनेक बाग बगीचे बने हुए हैं। शिव सागर। शिव सागर अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। चूंकि ये शहर लंबे समय तक अहोम की राजधानी रहा, इसलिए शिव सागर में महान अहोम शासकों की कई निशानियां देखी जा सकती हैं। ये शहर करीब 100 साल तक अहोम साम्राज्य की राजधानी था, जिससे इसका विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके साथ ही यहाँ ढेरों तेल और चाय के बागान हैं। शिव डॉल, तलातल घर, करेंग घर, गरगांव महल आदि शहर के कुछ खास आकर्षणों में से हैं। अगर आप शिव सागर घूम रहे हैं तो रंग घर नामक नाच घर को देखना न भूलें। मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा मानस नेशनल पार्क भी असम का प्रमुख पार्क है, जो कि यूनेस्को धरातल में अपनी जैव विविधता के कारण जगह बना चुका है। मानस देश की पहली बाघ अभयारण्य योजना है और इसे भी अन्य वन्य प्रजातियों के लिए घर माना जाता है। अपनी सुंदरता के लिए जाने जाने वाले इस पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी घोषित किया गया है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो मानस नेशनल पार्क आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, औरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी प्रमुख हैं। डिब्रूगढ़। जब बात भारत की चाय की होती है तो सबसे पहले जुबान पे नाम आता है असम की चाय का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असम में स्थित डिब्रूगढ़ को भारत के चाय का शहर भी कहा जाता है। शहर भर में कई चाय के बगान हैं, जो ब्रिटिश के समय से हैं। डिब्रूगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, परंपरा और संस्कृति का एकदम सही मिश्रण है, जिसकी एक ओर खूबसूरत ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है तो दूसरी ओर शहर के किनारों पर हिमालय की श्रृंखलाएं नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। असम के सबसे शानदार शहरों में से एक होने के नाते डिब्रूगढ़ में शांति, सुंदरता, इतिहास के रंग और अत्यधिक हरियाली की चाहत रखने वाले पर्यटकों के लिए कई चीजें हैं। डिगबोई। तिनसुखिया जिले में स्थित डिगबोई में 19वीं शताब्दी में कच्चे तेल का जन्म हुआ था, जिसे ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह इतिहास के किताबों में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ पे डिगबोई युद्ध कब्रिस्तान बसा है। ये जगह आपको द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिला देगी। इसके अलावा प्रकृति प्रेमियों को डिगबोई में समृद्ध वनस्पति और जीव भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ का गोल्फ कोर्स भी काफी मशहूर है। असम सिर्फ घूमने के लिहाज से ही नहीं, बल्कि शॉपिंग करने के लिए भी काफी अच्छी जगह है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में आपको कई खास चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, स्थानीय डिजाइन वाले खास आइटम्स हो या फिर बर्तन, कई प्रकार की चाय। यहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आप रोमांच से प्यार करते हैं तो असम ऐसी जगह है जहाँ आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। असम पर्यटन कई प्रकार की साहसिक गतिविधियों जैसे रिवर क्रूज, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, ट्रेकिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी चीजों का घर है। यहाँ कई प्रकार के गोल्फ कोर्सेज भी स्थित हैं, जहाँ आप अपने हुनर को परख सकते हैं और इस शाही खेल का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको असम से जुड़ी इतनी बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में जानकर? क्या आपने कभी सैर की है इस खूबसूरत राज्य की? हमें जरूर बताएं। और अगर आपको असम पसंद है तो नीचे कमेंट में लिखिए जय आई अखम। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।